good morning students this is the third part of constitution why and how in last part we have discussed about the making of indian constitution and before that we had discussed about the functions of indian constitution we have discussed about the authority of any constitution as well so in this part we will discuss about the remaining points of that authority so let us start की हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी देर वर ट्वेंटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स देर व्वेंटी एट मेंबर्स आउट ऑफ टू डबल नाइन ऑफ दलित अपन कहते हैं स्पेसिफिकली मोर स्पेसिफिकली एससी कम्युनिटी के ट्वेंटी एट मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रिप्रेजेंटेटिवनेस को शोकेस करने का काम कर रही है कि कैसे हमारी असेंबली में वेरियस थाट्स को आइडियोलॉजीज को वेरियस फैक्शंस ऑफ आर इंडियन सोसाइटी सबको रिप्रेजेंटेशन मिला था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर एक और भी एलिगेशन ये लगाया जाता है दैट आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज़ रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ऑफ कांग्रेस क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल मेंबर कितने थे अगेन टू डबल नाइन इसका एटी टू परसेंट जो था वो परसन्स कांग्रेस से बिलोंग करते थे दैट इज वाई द एलेगेशन वॉज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बट स्टूडेंट दिस एलिगेशन इज बेसलेस वाई दिस इज बेसलेस बिकॉज कांग्रेस वॉज एन अम्बरेला पार्टी इट वॉज एन अम्बरेला पार्टी बिकॉज इट यूज टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन और एक्सेप्टेंस टू ऑल द आइडियोलॉजीज इवन दो आज की जो अपन मार्क्सिस्ट पार्टीज अपन कहते हैं वो कांग्रेस की पार्ट थी आज की जो आप आ, राइट विंग पार्टीज कहते हैं हिंदू पार्टीज जिसको अपन कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वो कांग्रेस का पार्ट थे आज की आप जो सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं स्टूडेंट्स सोशलिस्ट पार्टी वाज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कांग्रेस बहुत सारी पार्टीज हैं जो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में कांग्रेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कांग्रेस ने कहा दट डूबल मेंबरशिप विल बी प्रोहिबिटेड इन कांग्रेस आफ्टर नाइनटीन फोर्टी और इसके बाद जो डुअल मेंबरशिप रखते थे टू पार्टीज की मेंबरशिप रखते थे उनको कांग्रेस को छोड़ना पड़ा बट बिफोर दैट दे वर मेंबर ऑफ कांग्रेस तो क्योंकि सबके सब ये मेंबर तो इवन कांग्रेस के ही हैं तो ये एलिगेशन भी गलत है कि कांग्रेस का ही रिप्रेजेंटेशन था इन कांग्रेस भी बहुत सारे फैक्शंस थे एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ कांग्रेस दैट टाइम नॉट टुडे बट दैट टाइम एज आई टोल्ड यू अर्यर कि इस बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो थ्री पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट हैं मैं पहले आपको बता चुकी हूँ मॉन्टाइस की बैलेंस ऑफ पावर एक ब्रीफ रिवीज़न कर लेते हैं बैलेंस किसको कहते हैं अपन बैलेंस किसकी बात कर रहे हैं देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लेजिसलेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी तीनों अपना अपना काम करेंगी एक दूसरे के जो में इंटरवीन नहीं करेंगी दे विल नॉट इंटरवीन इन ईच अदर्स जो बट दे विल मेंटेन चेक एंड बैलेंस आल्सो और ये चेक एंड बैलेंस के लिए हमने क्या प्रोविज़न किए सबसे बड़ा प्रोविज़न था चेक एंड बैलेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के खुद के कुछ प्रोविजन हैं क्या क्या प्रोविजन हैं उसके बारे में डिस्कस करें देन द फर्स्ट प्रोविजन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से एक्चुअली स्टूडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये ब्यूटी रहती है कि इसमें चेक एंड बैलेंस रहता है जबकि एक और भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है दैट इज़ प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपसंस रहती है चेक एंड बैलेंस की जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बैलेंस चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं कैसे मेंटेन करेंगे इवन दो प्राइम मिनिस्टर भी हों तो प्राइम मिनिस्टर को उनके पोस्ट से रिमूव करने के लिए भी प्रोविज़न दिया हुआ है कौन सा नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट और ये एग्ज़ीक्यूटिव को कंट्रोल करने का है थ्रू नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट एग्जीक्यूटिव का एक बहुत बड़ा हेड होता है भले ही वो ऑफिशियट ही है नॉमिनल है लेकिन है तो सही तो एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड की अगर अपन बात करें विच इज़ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस है आप उनको भी हटा सकते हैं कौन हटा सकता है हमारी लेजिस्लेचर हटा सकती हैं तो अगर ब्रीफ मैं आपको बताऊं तो लेजिस्लेचर कैन रिमूव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एज वेल लेजिस्लेचर दोनों को रिमूव कर सकती हैं इस लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट लेजिस्लेचर इज सावरन और सुप्रीम ऐसा नहीं है चेक एंड बैलेंस में क्या होगा सब एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जस्ट लाइक द गेम सीसा अब लेजिस्लेचर इनको रिमूव कर सकती है तो ये भी कम नहीं है अगर एग्जीक्यूटिव चाहे तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकती है लेजिस्लेचर विच इज़ पार्लियामेंट इन इंडिया उसको हटाने के लिए कम्प्लीट डिज़ल्व करने के लिए एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर सक प्रेजिडेंट को एडवाइस कर सकती हैं एंड प्रेजिडेंट बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी लेटर ऑन जब अपन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी लेकिन हाँ ये पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो लेजिस्लेचर विच इज पार्लियामेंट इन इंडिया वो उसको डिज़ोल्व कर सकता है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर जुडिशरी चाहे तो वो भी किसी मेंबर के अगेंस्ट कोई डिसीजन दे सकती है और जुडिशरी टाइम टू टाइम एग्जीक्यूटिव को भी और लेजिस्लेचर को भी डायरेक्शंस देती रहती है ये आपको बड़ा गचपच लग रहा है दैट इज़ गचपच लेकिन ये चेक एंड बैलेंस है जिसमें कि सब एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश और बैलेंस एस्टाब्लिश करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स बैलेंस के लिए क्या ज़रूरी होता है बैलेंस के लिए एक और चीज़ ज़रूरी होती है कि डिविज़न ऑफ पावर हो एक के पास पावर नहीं हो जस्ट लाइक देर आर थ्री ऑर्गन्स लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी तो बैलेंस के लिए ये जरूरी है कि सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर हो ऐसा नहीं कि किसी एक के पास ही बहुत ज़्यादा पूरी पावर किसी एक के पास हो तो फिर ये इम्बैलेंस हो जाएगा तो बैलेंस के लिए इक्वल पावर मोर और लेस नॉट एब्सोल्युटली इक्वल पावर होनी चाहिए तो ठीक है हम लोगों ने पावर का डिवीज़न किया इवन दो हमारा फेडरलिज्म नाउ द न्यू कंसेप्ट इज फेडरलिज्म जो कि बैलेंस एस्टेब्लिश करने का काम करता है अब फेडरलिज्म की अपन बात करें तो फेडरलिज्म भी प्रोवाइड करता है आपको कुछ प्रोविजंस ऐसे जिससे कि कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट सुप्रीम सॉवरन नहीं हो सकता है फेडरलिज्म में पावर डिवाइडेड होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं है ना कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं नेशनल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इन सबके पास अपने अपने सब्जेक्ट्स रहते हैं नाइन्टी सेवन सब्जेक्ट्स सिक्सटी सिक्स सब्जेक्ट्स एंड इनके पास एटीन सब्जेक्ट्स रहते हैं ये वेरी करता है कि लोकल गवर्नमेंट का फॉर्म कौन सा है मैं आपको ब्रीफ बता रही हूँ लोकल गवर्नमेंट का दूसरा फॉर्म भी हो सकता है तो उनके पास ट्वेंटी नाइन सब्जेक्ट्स भी रह सकते हैं आगे हम लोग बढ़ रहे हैं प्रोसीजर्स के पास प्रोसीजर्स की स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करके देखें कि क्या क्या प्रोसीजर क्या क्या प्रोसीजर रहा था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द प्रोसीजर हेयर है तो सबसे पहले अपन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी डिबेट्स थी उन डिबेट्स में पब्लिक विजडम पब्लिक ओपिनियन अपने को बहुत अच्छे से दिखाई देता है क्यों अच्छे से दिखाई देता है क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन uh, मिला था वहाँ पे वेरियस कम्युनिटीज़ को जैसे कि पहले बताया मुस्लिम्स के लिए सेपरेट ग्रुप मुस्लिम को भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था सिख कम्युनिटी को था जनरल जिसमें हिंदू भी कंसीडर किए गए थे बाकी जितने भी बचे हुए ग्रुप्स थे रिलीजन्स थे सबको रिप्रेजेंटेशन मिला एज आई टोल्ड यू अर्लियर जो एस कम्युनिटी है उनके ट्वेंटी एट थे मेम्बर्स थे तो ये जो आपको दिख रही है चीज़ ये बता रही है कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करती थी देर वर टोटल एट मेन कमिटीज़ मैं सारी कमिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ एट मेन कमिटीज़ वॉज देयर और कौन कौन उनको चेयर करने वाले थे तो किसी कमेटी को चेयर करने का काम पंडित नेहरू ने तो किसी को राजेंद्र प्रसाद ने किसी कमिटी को कि जो यूनाइट करना था यूनियन अपने प्रिंसली स्टेट्स को एंड ब्रिटिश स्टेट्स को तो ये काम सरदार पटेल के पास था बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर थे तो ये एट कमिटीज़ जो थी उनके चेयरपर्सन्स भी नेशनल लीडर रहे थे ऐसा नहीं है कि जो ये नेशनल लीडर्स थे इनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं थे इवन अंबेडकर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है शायद पढ़ा होगा शायद कि अंबेडकर और गांधी और कांग्रेस इनकी बनती बिल्कुल नहीं थी अंबेडकर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे और अम्बेडकर मानते थे दैट कांग्रेस इज ऑर्गेनाइजेशन और अ पार्टी ऑफ हिंदू इलीट और अपर क्लास अम्बेडकर कांग्रेस को जो एस सी एस टी कम्युनिटी दलित्स हैं जो डिप्राइव्ड क्लास ऑफ आर सोसाइटी है हिंदू सोसाइटी है उसका रिप्रेजेंटेटिव मानते ही नहीं थे इतने ज़्यादा डिफरेंसेस थे अंबेडकर और कांग्रेस के बीच में लेकिन फिर भी इन सारे के सारे डिफरेंसेस को साइड में रखकर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बने एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर बाबू राजेंद्र प्रसाद एंड अम्बेडकर दोनों एक दूसरे को ग्रीट कर रहे और ग्रेटिट्यूड वो शो कर रहे हैं और अम्बेडकर को भी बहुत ज़्यादा अप्रिजल मिली थी बाय द होल नेशन एंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली एज वेल कि उन्होंने सारे डिफरेंसेस को साइड में रखते हुए काम किया आगे बात करें तो पटोल और नेहरू के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सारे लेटर्स पढ़े होंगे सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे लेटर्स आपको देखने को मिलते हैं जो ये शो करने का काम करते हैं दैट मैनी वर बिटवीन नेहरू एंड अंबेडकर इसके अलावा अपन देखें कि और किन किन लोगों के बीच में डिफरेंसेस थे तो कई सारे ऐसे लोग भी थे जो कि आ, मैंने आपको पहले बताया कि 284 मेंबर्स ने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पर फाइनल ड्राफ्ट पर सिग्नेचर किए थे और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के टोटल आ, मेंबर्स का नंबर टू डबल नाइन था ये इनके बीच का डिफरेंस था लेकिन फिर भी इन्होंने साइन नहीं किए बाइकआउट कम्प्लीटली नहीं किया बस साइन नहीं किया इन्होंने डिफरेंसेस को इन ब्रीफ अगर अपन इस पॉइंट को देखें देन द प्रोसीजर वाज वेरी गुड और हेल्दी पूरा का पूरा वहाँ का एनवायरनमेंट रहा करता था और जितने भी डिफरेंसेस थे उनको साइड में रख कर सब ने पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया कभी कभी ऐसे भी इश्यूज आते थे जहाँ पर वोटिंग करवानी पड़ती थी वैसे तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन uh, में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वेरियस प्रोविजंस को लेकर जो भी डिसीजंस लिए थे वो कॉमन कंसेंसस से लिए थे कॉमन कंसेंसस का मतलब होता है जिसमें कि सबकी विल हो जिसमें सब एग्री करें लेकिन कई बार ऐसे इश्यूज़ भी आ जाते थे प्रोविजंस आ जाते थे जिस पर कि सबके एग्री होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता था तो इस कंडीशन में देर वर सम पॉइंट्स जिनको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग हुई बाकी वो वोटिंग नहीं होती थी क्योंकि कॉमन कंसेंसस रहती थी और सबसे बड़ा एक अगर अपन देखें कि कौन सा पॉइंट था जिसको लेकर सब लोग एग्री थे देन दैट वाज यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी ऑन दिस पॉइंट आर होल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज यूनाइटेड एंड दे हैड एक्सप्रेस्ड जस्ट वन ओपिनियन नाव द नेक्स्ट पॉइंट इज इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूमेंट जैसा मैंने स्टूडेंट्स आपको पहला भी बताया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो वैल्यूज थे पॉइंट्स थे इश्यूज थे ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस के मन में थे इस वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी बातों को रखा प्रोविजंस किए दैट इज रॉन्ग ये जो भी वैल्यूज थे सावरानिटी इंडिपेंडेंस इक्वालिटी लिबर्टी ये जो चीजें हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन रिलीजियस लिबर्टी रिलीजियस राइट्स राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज है ना right इसके अलावा आर्टिकल नंबर थर्टी टू है ना कॉन्स्टिट्यूशनल uh, रेमेडीज के लिए जो राइट्स प्रोवाइड किए गए थे वेरियस रिट्स इशू की जाती हैं बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एज वेल ये सारे के सारे इश्यूज जो थे ये ड्यूरिंग आर इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ड्यूरिंग आर फ्रीडम मूवमेंट, जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो पब्लिक के बीच में रहते थे और पब्लिक ओपिनियन तब उनको जानने को मिला और जब वो आगे पहुँचे एक रिप्रेजेंटेटिव बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाकर तो उन्होंने उसी पब्लिक ओपिनियन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का काम किया है नॉट मोर देन दिस इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया और पूरा का पूरा ये जो वैल्यूज़ हैं वो उनको मिली हमारे फ्रीडम मूवमेंट से और फ्रीडम मूवमेंट में भी जब वो लोगों से मिले और उनके बीच में जा रहते थे तभी जा वो काम कर पाए और वो वैल्यूज़ को वो इम्प्लीमेंट कर पाए <coughs> ये सारे वैल्यूज़ कौन कौन से थे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूज़ हमने फाइनली आके कॉन्स्टिट्यूशन बना तब भी हमने लिस्ट की बिफोर इंडिपेंडेंस भी ये सारे वैल्यूज़ हम लोग लिस्ट कर चुके थे मैं आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बता चुकी हूँ जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था तब थर्टीनथ दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है आपके मोटिव्स और ऐसे मोटिव्स जो कि नेहरू चाहते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव बने उसका पार्ट बने और आज की हमारी प्रियम्बल में आज उनमें से कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं जस्ट लाइक सावरानिटी एंड रिपब्लिक मैं आपको पहले वो पॉइंट्स बता चुकी हूँ द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिब्रेशन में स्टूडेंट्स बेसिकली uh, बात की गई है आपकी एन सी आर टी बुक में कि जो भी डिबेट्स थी उनका फॉर्म कैसा रहता था है ना तो uh, डिबेट्स की सबसे पहले वैल्यूज़ की हम लोगों ने बात की वैल्यूज़ जो थी वो पॉपुलर वैल्यूज़ थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर्स को इस uh, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से मिली थी दूसरा देखें वैल्यूज़ की बात हम लोगों ने द फर्स्ट पॉइंट इज़ वैल्यू कहाँ से मिली थी फ्रीडम मूवमेंट से मिली थी और वैल्यूज़ पर डिस्कशन uh, कैसे होगा तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन से कोई वैल्यू मिली और आपने उसको अडॉप्ट करके उसको प्रोविज़न का फॉर्म प्रोवाइड कर दिया ऐसा नहीं था ये वैल्यूज़ में उन्होंने देखा कि नेशनल इंटरेस्ट में हम लोग काम करें जिसमें सबका साथ और सबका विकास हो वो काम करना है देर वर मैनी इशूज़ इशूज़ कौन कौन से थे दो तीन ईशूज़ जो बुक में हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ सबसे बड़ा इशू था कि इंडिया में सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवें गवर्नमेंट होना चाहिए या फिर डी सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए ये सबसे बड़ा इशू था जिसको लेकर आज भी कई सारी डिबेट्स होती रहती हैं अनदरवाज़ कि वेरियस स्टेट्स जो हैं है ने वेरियस स्टेट्स के एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए बाई रिलेशनशिप ऑफ स्टेट्स इनका फॉर्म क्या होना चाहिए नेचर क्या होना चाहिए द अनदर क्वेश्चन वॉज कि जुडिशरी के पास पावर कितनी होनी चाहिए जुडिशरी की पावर्स कितनी होनी चाहिए अनदर क्वेश्चन वॉज़ कि राइट टू प्रॉपर्टी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए मैं आपको पहले एक बार टास्क भी दे चुकी हूँ आप मुझे बताएंगे फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में आ, और भी ये कुछ एक इश्यूज़ थे कि क्या हमको नेशन हमारी क्या कोई नेशनल लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए सबसे हॉट डिबेट अगर किसी टॉपिक पर मेरी नॉलेज में मैं मानूं तो वो डिबेट थी ऑन द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज मैं जहाँ तक पढ़ पाई हूँ इंडियन पॉलिटी या वेरी स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग को तो हॉट मोस्ट डिबेट मानी गई हैं लैंग्वेज की इशू को लेकर और कई बार तो ऐसे भी पढ़ने में आया है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में बात करें तो जब डिबेट्स हो रही थी ऑन द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज तो सदर्न इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर सेंसिटिव थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ओपनली कहा दैट If you want to make Hindi as a national language, then we will boycott from your constituent assembly. तो वो कहना चाह रहे थे कि हिंदी या तो हिंदी रहेगी या हमारी south states रहेंगी है ना अगर आप हिंदी को रखना चाहते हो तो ये नहीं जाएंगी और अगर इनको रखना है तो हिंदी को छोड़ना पड़ेगा इतना ये सेंसिटिव एंड Uh, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू माना गया था लैंग्वेज का इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्योंकि सबका साथ चाहिए अब सबका साथ तो यहाँ हिंदी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ही मिलेगा सो so उन्होंने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेर नहीं किया बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी थे जिन पर कि विदाउट एनी क्वेश्चन ऑफ कास्ट क्लास रीजन रिलीजन जेंडर एथनिसिटी रेस इन सब बातों पर ध्यान नहीं किए बिना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ प्रोविजंस किए भले ही इसका आपको प्रोटेस्ट या फिर रेजिस्टेंसी क्यों नहीं बीयर करना पड़े लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी किए जस्ट लाइक इक्वालिटी इक्वालिटी को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे कई लोग नहीं भी चाहते थे इक्वालिटी एस्टाब्लिश करना लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इक्वालिटी को एज अ फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस प्रोवाइड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो रियल पावर की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन की रियल पावर कहाँ से थी देन द रियल पावर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द पब्लिक इंटरेस्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही थी दैट इज वाई उनको पब्लिक का फुल फ्लैज सपोर्ट था अनदर पॉइंट वॉज जो डिबेट्स थी डिबेट्स कोई सेंटिमेंट्स के बेसिस पर डिबेट नहीं हो रही थी या फिर इमोशंस के बेसिस पर वो डिबेट्स नहीं हो रही थी डिबेट्स का जो लेवल था वो था रीज़न एंड विजडम विजडम के बेसिस पर रीज़न के बेसिस पर वो डिबेट्स हुई और ऐसी डिबेट्स वो हुई जैसे कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे माना जाता है कि इनकी डिबेट्स बहुत अच्छी डिबेट्स मानी गई बहुत क्वालिटी और फ्रूटफुल डिबेट मानी गई हैं और न्यू कॉन्स्ट्टिट्यूशन मेकरस के लिए उन डिबेट्स को पढ़ना जितना ज़रूरी माना जाता है उतना ही ज़रूरी माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट्स को कुछ एक डिबेट्स मैंने यहाँ लिस्टिफाई की हैं मैंने पी पी टी में भी मैंशन किया है आई एंड आई विल शेयर विथ यू दिस पी पी टी और आगे अगर अपन पढ़ें तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वापस उसकी बात कर ली जिसमें डिवीज़न ऑफ़ पावर की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर की बात की गई है स्टूडेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो एक बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने ये काम किया कि वर्ल्ड में जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन्स थे जो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन माने गए थे उन सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जहाँ से जो भी फ्रूटफुल प्रोविज़न उनको दिखे जो भी अच्छे प्रोविज़न उनको दिखे वो सारे के सारे प्रोविज़न उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए और क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो हैं जो कि हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से किए हैं इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कई बार ये एलिगेशन लगता है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इम्पोर्ट किया है बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज स्टूडेंट्स दिस एलिगेशन इज़ रॉन्ग क्योंकि ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी रहती है टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आप हिस्ट्री से सीखेंगे अब हिस्ट्री से सीखेंगे तो हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है और जहाँ के आउटकम्स अच्छे आए थे उनको अडॉप्ट करना मेरी नॉलेज में कहीं पर भी शेमफुल नहीं है इवन दो ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आपने अगर किसी टॉपर की कॉपी ली आंसर शीट ली और उसी के आंसर मॉडल को अगर आप भी अडॉप्ट करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि ये गलत है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू तो इसको कहीं भी डी करने की मुझे नहीं लगता है कि रिक्वायरमेंट है नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या क्या प्रोविजन ऐसे थे जो कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस ने अदर कंट्रीज से अडॉप्ट किए और जो आज की डेट में बाई टूडे वो आज uh, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है दैन यस yes, एक बहुत अच्छा यहाँ पर ग्राफिक दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्ल्ड यहाँ पर कुछ एक uh, चार्ट्स के थ्रू मेंशन किया हुआ है कि हमने कौन सी कंट्री से कौन सा प्रोविजन अडॉप्ट किया है वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स आई विल नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल दीज पॉइंट्स बिकॉज वी विल डिस्कस दिस पॉइंट्स इन फर्दर चैप्टरसो सो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एंड योर्स ऑल्सो यस द फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट पास द पोस्ट मींस जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको लेकर पूरा चैप्टर है हम आगे डिस्कस करेंगे द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ फंडामेंटल राइट नेक्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज हर रोल उनका रोल क्या रहता है स्पीकर स्पेसिफिकली uh, लोकसभा स्पीकर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉ मेकिंग प्रोसीजर अपन लोग डिस्कस करेंगे अमेरिका पर आते हैं चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट चैप्टर नंबर टू ऑफ एन दिस बुक नेक्स्ट पॉइंट इज़ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से अपन ने क्या लिया है डी पी एस पी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स ऑफ़ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये क्या है मैं आपको फेडरलिज्म पूरा चैप्टर है उसमें इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगी पॉइंट टू पॉइंट एंड कट टू कट द फाइनल पॉइंट इज़ द आइडिया ऑफ रेजिडल पावर्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही पॉइंट्स हमने अडोप्ट किए हैं हमने बहुत सारे और भी प्रोविजंस रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अदाप्ट किए हैं जो कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन आप लोगों के लिए एलेवंथ स्टैंडर्ड के लिए दिस इज़ एनफ मैंने यहाँ पे कुछ एक पिक्चर्स और भी ऐड किए हैं जो कि आपके एन सी आर टी बुक से ही हैं स्टूडेंट्स पिक्चर ऐड करने का मेरा मोटिव सिर्फ आपको इंटरटेन uh, करना या फिर आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना इंक्रीस करना नहीं है एक्चुअली दीज पिक्चर्स आर पार्ट ऑफ योर एग्ज़ामिनेशन और एग्जाम पैटर्न फाइव परसेंट वेटेज रहता है इन पिक्चर्स का एक पिक्चर आएगा उस पिक्चर पर बेस्ड होंगे थ्री क्वेश्चंस और फाइव परसेंट का वेटेज रहता है आपके एग्जामिनेशन में सो बी अलर्ट वन आई एक्सप्लेन दीज पिक्चर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है और कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होना कंटिन्यू रहना भी कॉन्स्टिट्यूशन का ख़ुद का सर्वाइवल भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल है जितना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना मुश्किल है आई एम रीडिंग सम लाइन्स बाकी मैं क्योंकि पी आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ तो आप इसको इन डिटेल पढ़ सकते हैं the lines are making a constitution is not always an easy and smooth affair nepal is an example of the complicated nature of constitution making since 1948 nepal has five constitutions in 1948 51 59 62 1990 and students this is not mentioned in this uh, article but नाव लेटेस्ट नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन टू थाउजेंड एट सो नेपाल में आज की डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो टू थाउजेंड एट में उसकी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ट्यार को उनको टू और थ्री टाइम्स एक्सटेंड करना पड़ा फिर भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था इवेंचुअली नेपाली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और कहा कि आपको बस अब टाइमलाइन लास्ट में है अब तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट तो हो गया लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज हो रहे हैं तो मालूम पड़ रहा है 1948 के बाद से आज की डेट में एज ऑफ टुडे एटीनथ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी तक अपन देखें तो नेपाल में सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन्स बन चुके हैं और जो सिक्स एंड फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेकर भी वेरियस ऑब्जेक्शन्स आ रहे हैं अब क्या डिटेल्स रही हैं वो आप इस में पढ़ सकते हैं एक्चुअली नेपाल में पहले मोनार्की रहा करती थी मोनार्की के बाद वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम आया 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था मल्टी पार्टी सिस्टम भी 2002 में सस्पेंड हो गया और वो सस्पेंड होने के बाद मोनार्क uh, मीस जो किंग था वो सुप्रीम पावरफुल हो गया फिर किंग और पार्लियामेंट्री जो फोर्सेस थी दोनों के बीच में क्लैशे हुए क्लैश हुए तो एवेंशुअली टू में किंग को सरेंडर करना पड़ा किंग ने सरेंडर किया तो जो माउस पार्टीज थी जो मार्क्सट पार्टीज थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कही इवेंशुअली 2008 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी कॉन्स्टिट ये कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन फाइनली अपन देखें तो इनमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते रहे एंड फाइनली दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2012 थाउजेंड ट्वेल्व अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज तो ये रही है इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन मिसलिनियस में हम लोग पढ़ चुके हैं मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज प्रपोज्ड एन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑन थर्टीन दिसंबर 1946 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू हाँ अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स में तो यहाँ पे मैंने साइट दे रखी है आप इस साइट पर विजिट करके और भी डिबेट्स आप देख सकते हैं और फैक्ट्स भी चेक कर सकते हैं अम्बेडकर ने यहाँ पे कुछ कहा है कुछ लाइंस में बता देती हूँ कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के वी वीमर्स मेक आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोशल डेमोक्रेसी एज वेल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी द सोशल डेमोक्रेसी मीन इट मीनस अ वे ऑफ लाइफ विच रिकोगनाइज लिबर्टी इक्वालिटी एंड फैटर्निटी एज द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ मैं डिटेल में नहीं पढ़ने वाली हूँ आप लोग ही पढ़ेंगे दिस इज अ टास्क फॉर यू कि आप सारी पिक्चर्स को एक बार गो थ्रू करें अम्बेडकर बस इतना सी कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम सोशल जस्टिस सोशल डेमोक्रेसी मीन्स सोशल इक्वालिटी सोशल लिबर्टी को हम मेंटेन नहीं करते हैं तब तक पॉलिटिकल लिबर्टी पॉलिटिक देखो दो चीज़ें हैं पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स राइट टू वोट राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन राइट टू कंप्लेन अगेंस्ट योर रिप्रेजेंटेटिव और एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल ये तो होती है पॉलिटिकल लिबर्टी सोशल लिबर्टी पर आते हैं सोशल लिबर्टी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्लास रीजन रिलीजन जेंडर एथनसिटी एंड रेस एंड एकक्वालिटी अमंग ऑल लिबर्टी रहेगी आपको और सोशल बेसिस पर किसी भी तरह से आपको एक्सप्लाइट नहीं किया जाएगा एक्सप्लाइटेशन तो वैसे किसी भी बेस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड है और अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है दैन द फर्स्ट स्टेप इज सोशल डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज द सेकेंड स्टेप यहाँ मैंने कुछ फेल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस को लिस्ट किया है हाँ, मैं जो फर्स्ट पिक्चर है दिस कार्टून इसको एक्सप्लेन करूँ बिफोर दैट आई विल से अबाउट दिस हाँ हाँ यूरोपियन यूनियन आपको मालूम होगा नहीं होगा इन नेक्स्ट क्लास मीन्स इन ट्वेल्थ क्लास यू विल रीड अबाउट यूरोपियन यूनियन जो कि एक पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है यूरोपियन यूनियन को लेकर भी हाँ यूरोपियन यूनियन यूरोप की ट्वेंटी एट कंट्रीज़ का एक ग्रुप है इट इज़ यूनियन ऑफ ट्वेंटी एट कंट्रीज़ विच आर सिचुएटेड आर लोकेटेड इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट तो इन्होंने अपने आप को मोर एंड मोर यूनाइट करने के लिए वेरियस ट्रीटीज कर रखी हैं फाइनली जो इनका मैस्ट्रीच ट्रीटी हुआ था 1991 में 92 में इम्प्लीमेंट हुआ इसमें इन्होंने कहा दैट वी मस्ट मेक अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड ऑल द मेंबरिंग कंट्रीज हैव टू फॉलो दैट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ये बात कही थी लेकिन हुआ ये कि फ्रांस और जर्मनी इन दोनों ने डिनई कर दिया कि हम तो इस यूरोपियन यूनियन के लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के फेवर में नहीं हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया उन्होंने रेजिस्ट किया और आज की डेट में 1992 में स्टूडेंट्स डे को ट्रीटी इम्प्लीमेंट हुई थी 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन बनना भी शुरू हुआ 2005 में फ्रांस और जर्मनी ने डिनाई कर दिया और आज की डेट में टिल 2020 भी आज ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया है मैं थोड़ा पिक्चर जूम कर रही हूँ आप यहाँ पे देख सकेंगे इस चीज़ को योरपियन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि आप अपनी लिबर्टी अपनी सावरानिटी कोई कंट्री छोड़ना नहीं चाहते वेरियस कंट्रीज़ इस बेस पर ऑब्जेक्ट कर रही हैं यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के लिए कि अगर इनका कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो जाता है यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन अगर एनफोर्स में आ जाता है तो वेरियस कंट्रीज जो हैं इनके नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन की सावरानिटी सुप्रीमेसी वीक होगी एंड दे डू नॉट वांट टू मेक वीक देयर कॉन्स्टिट्यूशन हाँ और मैं आपको ये बता दूँ एक बार एफर्ट्स फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देर आर टू कंप्लीटली ओपोजिट पिक्चर्स ये पिक्चर आप देख रहे हैं दिस पिक्चर इज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यून असेंबली भीमराव अम्बेडकर बीच में चेयर कर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को अच्छा डिस्कशन आपको लग रहा है यहाँ पे कोई ज़्यादा कियोस नहीं है ज़्यादा क्या बिल्कुल वी कैन सी द स्पीच ऑफ अम्बेडकर एंड आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अम्बेडकर की पेज नंबर थर्टी सेवन पर फोर्थ नवम्बर नाइनटीन फोर्टी एट आपको मिल जाएगा पढ़ने को मैं साइट आपसे शेयर कर चुकी हूँ One likes to ask whether there can be anything new in a constitution framed at this hour in the history of the world. The only new things, if there can be any, in a constitution framed so late in the day are variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country. यहाँ पे कंट्रीज़ की कंट्री की नीड्स को फ़ुलफिल करने के लिए अकोमोडेट करने की बात कही और फॉल्स को रिमूव करने की बात कही है जबकि ये आप देखेंगे जस्ट टू थाउजेंड फाइव में स्टार्ट हुआ था इराक का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे सब लोग फाइट कर रहे हैं दैट दे विल राइट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे शिया कम्युनिटी एक बार ब्रीफली मैं आपको बता दूँ इराक़ के बारे में दिस इज़ इंडिया इंडिया से यहाँ चलेंगे गल्फ़ आ जाएगी गल्फ़ के यहाँ पे कुवैत कुवैत के पास कुवैत के बाद कुवैत के आप देखेंगे वेस्टर्न रीजन में आपको मिलेगा इराक इराक़ का ये वाला रीजन जो है यहाँ पे कुर्द कम्युनिटी रहती है मुस्लिम कम्युनिटी का ही एक्सेक्ट है यहाँ पे देखेंगे तो इस रीजन में रहता है इसका शी कम्युनिटी और बीच में रहती हैं इसकी सुन्नी कम्युनिटी तो यहाँ पर तीनों की तीनों ही जो फैक्शन हैं ये लड़ रहे हैं कुर्द कह रहे हैं हम बनाएंगे सुन्नी कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे शिया कह रहे हैं हम बनाएंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हाँ शियास आई हैव गॉट द पेपर आई विल राइट इट सुन्नी आई हैव गॉट पेन आई शुड राइट इट कुर्ड्स आई हैव गॉट द इंक लेट मी राइट इट तीनों के तीनों लड़ रहे हैं ये सेक्ट्स फैक्शंस और इसी का रिजल्ट ये निकला कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन इराकी कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एक जस्ट लाइक अ कासल ऑफ कार्ड्स ठीक है स्टूडेंट्स सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ कैन एनी कॉन्स्टिट्यूशन गेट अथॉरिटी एंड वाई वी फॉलो आर कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रीफली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो एलिगेशनस थे कहाँ कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा आपके लिए टास्क में एक बार रिमाइंड करा देती हूँ आपको जितने भी स्लाइड्स इसमें हैं अच्छे से पढ़नी हैं जो पिक्चर्स या फिर जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको पढ़ के नहीं बताए हैं वो आपको ख़ुद को पढ़ने हैं कोई भी डाउट होता है आपको दैन यू कैन मैंशन योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी डायरेक्टली दिस इज़ रजनी गगवानी साइनिंग ऑफ थैंक यू सो मच